आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाए, किसी वेबसाइट के लिए आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया होगा, अच्छी खासी अर्निंग होती होगी, लेकिन अचानक से कभी गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो जाए किसी वजह से, शायद हो सके कॉपीराइट मटेरियल या फिर इलीगल वर्क के वजह से हो सकती है कभी गलती। कभी हो गई गलती, गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो गया, तो फिर करना क्या है? क्या उस वेबसाइट में हम पोस्ट लिखना बंद कर दें या क्या करें? मतलब फिर से इनेबल आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हो? क्योंकि गूगल एडसेंस की पॉलिसी के हिसाब से यदि आपकी किसी वेबसाइट का गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए आप उस वेबसाइट के लिए गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है ना? तो क्या कर सकते हो आप, इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यदि आपकी कोई वेबसाइट थी उसमें गूगल एडसेंस का इनेबल था, एड्स आ रही थी, अचानक से डिसेबल हो गया, अब क्या करें? क्या उस डोमेन को मतलब बंद कर दें, क्या करें? यही सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे इनेबल आप करा सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं परेश मिश्रा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो जाने के बाद आपको करना क्या है, क्या कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं मेरे डैशबोर्ड की तरफ कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकूं। तो ये मेरी एक वेबसाइट थी, naukrijobsindian.com, आप भी जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा। ये एक जॉब्स के रिलेटेड आर्टिकल मैं इसमें डालते रहता हूँ, ठीक है? तो ये मेरी naukrijobsindian.com ये एक वेबसाइट है मेरी, इसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल था लेकिन अभी नहीं है। अभी आप देख सकते हो कोई भी मतलब कोई भी एड नहीं आ रही है, ठीक है? एक दिन अचानक से मुझे मेल आया कि आपका गूगल एड्स, आप देख सकते हो मेल में पढ़ा कि आपको बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है? एक दिन मेल आया गूगल एडसेंस की तरफ से कि आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो गया है बिकॉज ऑफ वायलेंस फाउंड इन कॉपीराइट मटेरियल, ठीक है? मतलब मैंने अपनी वेबसाइट में कुछ कॉपीराइट मटेरियल यूज़ किया होगा, शायद वो इमेज हो सकती है या फिर कोई कंटेंट हो सकता है, ठीक है? तो इस वजह से मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो गया। मतलब डिसेबल होने के लिए गूगल एडसेंस कोई नोटिस वोटिस नहीं भेजता, डायरेक्ट डिसेबल कर देता है, ठीक है? तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, काफ़ी अच्छी अर्निंग होती थी लेकिन ये अचानक से मेरा डिसेबल हो गया, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँ? अभी मेरी, समझो आपकी भी कोई वेबसाइट है जिसका डिसेबल हो गया है, तो अब आपको करना क्या है? तो अभी मेरी ये वेबसाइट है, अच्छी खासी रैंक की हुई है, अच्छी खासी मतलब गूगल में रैंक है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी था, डिसेबल हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो इसमें आपको दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो आप गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, जैसे पॉपुलर एड है, ये सब है, लेकिन ये सब अल्टरनेटिव है ना, गूगल एडसेंस जितनी अर्निंग नहीं देते हैं, प्लस आपकी वेबसाइट भी डाउन हो सकती है क्योंकि बहुत सारे पॉप एड या ऐसे जो एड नेटवर्क है उसमें गूगल एडसेंस जैसा नहीं होता है, वो अपनी वेबसाइट को डाउन कर देते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे अल्टरनेटिव है जो इनबिल्ट वायरस अपनी होस्टिंग में भी मतलब डाल देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एड नेटवर्क ना यूज करें विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आप कोई गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, ये एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है? और उससे थोड़ा बहुत आप अर्न कर सकते हो, गूगल एडसेंस जितना तो कर नहीं सकते, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको यदि गूगल एडसेंस का अप्रूवल था और डिसेबल हो गया है तो आपको उसको इनेबल कैसे कराना, ठीक है? तो मेरी ये वेबसाइट में मैं अपनी गूगल एडसेंस का अप्रूवल
लेने के लिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। पहली बात तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मेरा कॉपीराइट मटेरियल की वजह से मतलब डिसेबल हुआ है। तो सबसे पहले कि आपको हर एक पोस्ट को चेक करना होगा कि उसमें कुछ कॉपीराइट तो नहीं है। जो भी आपकी वेबसाइट में पोस्ट है, सभी पोस्ट को आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा, किसी में इमेज कॉपीराइट तो नहीं है, किसी में कंटेंट कॉपीराइट तो नहीं है। थोड़ा भी मतलब कॉपीराइट हो तो उसको डिलीट कर दीजिए। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन पूरा का पूरा मतलब आपने कॉपीराइट कर दिया है तो आपको दोबारा भी मतलब एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और रही बात ये कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल, यदि आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट यदि डिसेबल हो गया है तो उस वेबसाइट के लिए आप इनेबल नहीं करा सकते। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप इनेबल करा सकते हो। सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट में कोई भी कॉपीराइट मटेरियल नहीं होना चाहिए, पहला काम ये कीजिए डिसेबल होने के बाद। दूसरा काम आप कीजिए कि लगभग जैसे आज आपका डिसेबल हुआ है तो 1.5-2 महीने या 3 महीने के बाद आप एक नया यूजर मतलब नया एक ईमेल आईडी बनाइए। खुद के नाम पे पहले था तो आप फैमिली मेंबर के नाम पे एक ईमेल आईडी बनाइए, उन्हीं का फोन नंबर, उन्हीं का सब कुछ डालिए, उसमें आपका पुराना कुछ मत डालिए और अप्लाई कीजिए। ठीक है, सेम। और एक बात और मैं कहना भूल गया कि जो अकाउंट आपका डिसेबल हो गया था उस ईमेल आईडी में आपको जाकर करना क्या होगा कि जो भी पेमेंट पेमेंट तो डिसेबल होने के बाद आती नहीं है, लेकिन पेमेंट प्रोफाइल जो होता है, जैसे कि आप जाओगे, एक मिनट मैं बता देता, इसमें जाओगे आप जीमेल में, सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स, उसमें पेमेंट का एक ऑप्शन होगा, मैं बताता हूँ आपको एक मिनट। पेमेंट प्रोफाइल जो होगा, मैंने आई थिंक कंप्लीटली इसको रिमूव कर दिया है। इसमें एक प्रोफाइल पेमेंट प्रोफाइल होती है जिसमें आपका गूगल एडसेंस कनेक्टेड होगा, तो उसको भी आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, जो मुझे अभी नहीं मिल रही क्योंकि मैं ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इसमें पेमेंट प्रोफाइल एक ऑप्शन होता है, गूगल का पेमेंट प्रोफाइल मैंने डिलीट कर दिया है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, वरना इधर एक टैब होगा अकाउंट पेमेंट एडवांस में, एक बार चेक करा के मैं आपको बता देता हूँ, शायद तो नहीं होना चाहिए। थिंग्स चैट जनरल पेमेंट प्रोफाइल, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक पेमेंट प्रोफाइल का होगा, यदि आपका गूगल एडसेंस सेम जीमेल से बना हुआ होगा तो उसको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको न्यू ईमेल आईडी और नया जो फोन नंबर है उससे आपको सेम यूआरएल, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी एडसेंस में इसको अप्लाई के लिए भेज दिया है, जैसे साइन अप करना है आपको, साइन अप करके आपको अपनी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट के लिए आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हुआ था, ठीक है, उस वेबसाइट का नाम और इसमें जिस वेबसाइट के लिए आप, जैसे कि मैं इस ईमेल, ये एक ईमेल है मेरी फैमिली मेंबर में कोई है तो उनके नाम पे मैंने ईमेल आईडी बनाया है रजनी गोखी, ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बनाया है और ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो ऑलरेडी इस अकाउंट में कनेक्टेड है और इसी
से मैंने इसको कनेक्ट किया और उसका मतलब पब्लिकेशन आईडी भी मैंने डाल दिया है। विद इन 24 आवर्स में ये फिर से चेक करेगा, यदि सब कुछ सही रखा लगा तो अप्रूवल कर देगा। तो आपको क्या करना है, यदि आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो गया है तो सेम वेबसाइट के लिए आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, प्लस जितना भी कॉपीराइट मटेरियल सबको रिमूव करना होगा और पोस्ट डालते रहना है आपको। ऐसे नहीं कि गूगल एडसेंस तो डिसेबल हो गया, जब इनेबल होगा तभी मैं पोस्ट डालना शुरू करूंगा, ऐसा मत कीजिए। गूगल ही चेक करेगा कि हर एक मतलब 1-2 दिन के मतलब 1-2 दिन के गैप में आप एक एक दो दो पोस्ट डालते रहिए, ताकि आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आते रहे और गूगल एडसेंस को लगे कि ये सही बंदा है। मतलब किसी उनको पता नहीं चलेगा कि इसमें ऑलरेडी आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट था, क्योंकि आपने अपनी पेमेंट प्रोफाइल अपने जीमेल जो पुराना जो जीमेल था गूगल एडसेंस जिससे डिसेबल हुआ है उसका पेमेंट प्रोफाइल भी आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद ही न्यू ईमेल आईडी से तथा सब कुछ नया डाल के आपको सेम वेबसाइट के लिए अप्रूवल लेना है, लेकिन कॉपीराइट मटेरियल हटाने के बाद विद इन 24 आवर्स में आपको दूसरा एक एडसेंस अकाउंट मिल जाएगा और उसमें आप ऑटोमेटिकली आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना चाहा कि यदि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने भी अप्लाई किया है, आप भी कर सकते हो। और ऐसे ही क्योंकि गूगल एडसेंस से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है अर्निंग करने के लिए, तो आप ट्राई करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक ना एक दिन आपका डिसेबल गूगल एडसेंस जो डिसेबल हो गया था, जो अच्छी खासी रैंक कर रही थी आपकी वेबसाइट, उसके लिए फिर से आपको एक गूगल एडसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।